हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं नीली और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल थाई इंडियन लाइफ में। दोस्तों, आज ये संडे और मेरा बड़ा ही मन कर रहा था सी फूड खाने का, तो मैंने गूगल किया और सर्च किया बेस्ट फिश मार्केट नियर बाय मी। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, बट दोस्तों मुझे तो जाना है शबुद प्रखान फिश मार्केट, जो कि साउथ बैंकॉक से 29 किलोमीटर है। फाइनली वी अराइव टू द फिश मार्केट एट अराउंड 7 AM। द सन वाज स्टिल लो, येट द एयर वाज ऑलरेडी हॉट एंड हैवी विथ ह्यूमिडिटी। दोस्तों, हम लोग जैसे ही तालाब में कदम रखते हैं, हमें सुंदर सुंदर नारियां फिश सेल करते हुए दिखाई देती हैं। शी वाज एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड फनी। तो काफी ह्यूज मार्केट है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको लेके आ गई हूँ यहाँ के सबसे इंटरेस्टिंग फिश शॉप में, जो कि है फिश पापड़ शॉप। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फिश पापड़ देखने को मिल जाएंगे। थाई पीपल ऑल्सो लाइक टू मच। दोस्तों, थाईलैंड में सी फूड सॉस बहुत ही फेमस है, ये आपको हर फिश मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये गेस करो ये क्या हो सकता है। ये चिकन ब्लड है दोस्तों। थाई पीपल चिकन का ब्लड भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्विड, शार्क, ऑक्टोपस और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आपको देखने को मिल जाएंगे। थाई पीपल बारबेक्यू स्क्विड एंड ऑक्टोपस बहुत ही पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत बड़े साइज के क्रैब्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके हथेली के साइज से भी बड़े होंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत छोटू सा शार्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्विड, शार्क, ऑक्टोपस और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आपको देखने को मिल जाएंगे। थाई पीपल बारबेक्यू स्क्विड एंड ऑक्टोपस बहुत ही पसंद करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस बंदे को कितने अच्छे से बर्फ को सजा दिया है और उसके ऊपर सीफूड रखा है ताकि फिश खराब ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ छोटा से बड़ा डिफरेंट साइज ऑफ प्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश। दोस्तों, हम लोगों ने फ्रेश सी फूड प्रॉन्स परचेज कर लिया है, काफी बड़े साइज का मिल गया हम लोगों को। Thank you.
If you love octopus, there was an absolute evidence of both at Salad Park Nam, and it was pretty cheap. समुद्र प्रकान इज वन ऑफ द फ्रेंडली फिश मार्केट इन थाईलैंड। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फिश देख रहे होंगे सारे के सारे आप लोगों को फिश देखने को मिल जाएंगे। और थाई पीपल की खास बात ये है कि ये लोग काफ़ी साफ सफाई से चीज़ों को रखते हैं और इन लोगों का पैकेजिंग भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बड़े साइज के क्रैब्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके हथेली के साइज से भी बड़े होंगे। दोस्तों अगर आपको थाईलैंड का और भी डिफरेंट फिश मार्केट देखना है तो प्लीज़ मुझे के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।